नेक्स्ट गेम है जी हमारे साथ पोटली, याद रहे चार चार पोटली लेकर आनी होती है, टीम चैंपियंस ने चार लानी है, चार पोटली लानी है टिकटॉकर्स ने, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टॉस। जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले गार में जाएगी और अपनी मर्जी की चार पोटलियां लेकर आएगी, फिर उन चार पोटलियों में जो भी अमाउंट है वो मैं सम अप करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा पूरे चार पॉइंट्स का गेम है। रेडी है आप लोग? आइए। अच्छा जी, बारी किसकी है? आप लोगों की बारी है? हमारी है जी। आपकी है ना, मुझे पता है ना। ये बताओ क्या है? चैंपियंस। बताओ तो। हाँ, टिकटॉकर्स। टिकटॉकर्स चैंपियंस। आइए भाई जल्दी से चैंपियंस आ जाओ मेरे साथ, जल्दी से। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से भाई? नहीं लाना। आओ जल्दी से। माइक का है तुम लोगों का? माइक का? माइक में बोलना होता है, किसी को आवाज नहीं आएगी। मैं बोल दिया। बोल दो। बोल जा सिम सिम। मुझे वो मैंने खुलना है, वहां देख के बोले ना आप, मुझे देख के बोल जा सिम सिम। कोई भी एक पोटली ले आइए। लो, आज चैंपियंस कौन था? अभी आज चैंपियंस ही, वो खुद तो आए नहीं तुम लोगों में। बड़े दिल वाली है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था सिद्रा, आज ही लाने, कल का गेम कल खेलेंगे। आज ही लाएंगे। लाओ ना आज जल्दी से। मैं कंफ्यूज्ड हूं। किस बारे में कंफ्यूज्ड हो तुम? Should I pick one or nine? चलो जाओ तुबा। कोई भी एक पोटली, याद रहे सबसे ज्यादा अमाउंट होना चाहिए, जो भी पोटली लाओ। अब तुम लोग मार खाओगे दोनों। ये आठ पोटलियां ही है तुम्हारे पास, क्या इनमें से कोई नंबर समझ में नहीं आ रहा है? खोपड़ी उठा लो तुम, ऐसा करो। चलो नंबर सात, दोनों में से कौन जाना है? आप आ जाओ भाई, जाइए आमिर साहब, अपनी मनपसंद कोई भी एक पोटली। तुम्हारा नंबर कौन सा है आज? माइक देना जरा इनको, आज देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। मैं तो कह रहा हूँ आज खोपड़ी ले आओ तुम, है ना, कोई नंबर ही नहीं। कौन सा नंबर? छह। आप जाइए कोई सा भी एक ले आइए नंबर, सोच समझ के। बिलाल, बिलाल दो दफा लेकर आए पोटली, उसमें एक दफा माइनस एक दफा जीरो निकला है, आज 10 लाख निकलना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम, ये इनको चूम क्यों रहे हो तुम यार? आओ भाई आओ, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ भाई, आइए भाई टिकटॉकर्स, कम ऑन, जल्दी जल्दी जगह पे गाइस। माइक किसके पास है? हुसैन आगे जाओ, दरवाजा खुलवाओ। बोल जा सिम सिम। आ गया तभी तो खुल गया वो, और कैसे पसंद आएगा। आपने उठाना है खोपड़ी, क्या कह रही है? अच्छा आ भाई, कोई भी जल्दी से एक नंबर ले आओ, क्या कर रहे हो ये तुम? चलो जाओ जल्दी से। मदिया, जल्दी जल्दी से अपनी मनपसंद पोटलियां लेकर आइए। जाओ भाई रबीका, रबीका की नंबर दो आज किसी ने नहीं उठाई। ओहो, जाओ भाई शादाज, जल्दी से नंबर आठ आ जाओ जी। चलिए जी शुरू करेंगे आज की गर्मा गर्म गेम, का नाम है पोटली। चार पोटलियां होंगी, उसमें से मैं एक के बाद एक खुलवाऊंगा और देखूंगा कि कौन आज कितना अमाउंट लेकर आया है। टॉस, चूंकि आज चैंपियंस जीते थे इसलिए ये अपनी मनपसंद चार पोटलियां पहले लेकर आए हैं। आप लोगों के पास ऑप्शन कम थे, लेकिन इसका दारोमदार सिर्फ किस्मत पर होता है, इसलिए सबसे पहले पोटली ओपन कराऊंगा मदिया की। लाओ मदिया। देखा कहीं पर निशान है, क्या था वो निशाना? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये बात देख रहा भाई। पोटली नंबर एक लाइट में लेकर आओ, मदिया लेकर आई है लाल लाल पोटली नंबर एक, लाल खतरे की अलामत होता है, मैं तो इनको 10 दफा बता चुका हूँ, फिर भी ले आए। बताओ जरा मदिया, कोई खास वजह एक नंबर लाने की? अगर मैं पहले जाती तो मैं बिलाल की पोटली लेकर आती। बिलाल की पोटली कौन सी है? येलो वाली। कितना खुश हो रहा बिलाल, देखो माइक में बताओ ना, माइक में बिलाल को माइक दिया करो यार। नहीं हो रहा माइक ले। मैं हाँ। कोई खुश नहीं हो रहा। नहीं लेकिन एक स्माइल तो आई थी जैसे ही उन्होंने बोला वहां से, अगर मैं होती और तो मुझे बोल रहे, मुझे बोल रहे कुछ भी बोलो मदिया, कुछ मत बोलना। ओ, ओ, जूट, जूट। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो। क्या कह रहे हो तुम? ये मैंने कहा तुम 5 और 6 याद रखना, अगर इसमें से कोई भी खातून पसंद आ गई
तो ये वहीं से खेलने लगेगा टिकटॉकर्स की तरह। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चैंपियन से बेवफाई नहीं कर सकता है। पक्की बात है जी, बिल्कुल पक्की। चलो बेहतरीन, लेकिन खुशी हुई कि इन्होंने पोटली मेरी बोला, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। सुनो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पोटली बोला तुम्हें नहीं बोला, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। पोटली भी तो मेरे पास ही है ना। हाँ तो लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं, मैं इनडायरेक्टली क्या बोलने चाह रहा हूँ समझ गए। क्या बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं अच्छी बात नहीं है, ऐसी मस्ती मजाक कर रहा था। ये कितना खुश रहता है ना, खुद ही अपने ख्यालात बना बना के खुश रहता है ये आदमी। बेहतरीन, चलिए जी मधिया एक नंबर पोटली लेकर आई आप टिकटॉकर्स के लिए। मैं जल्दी से देखता हूँ कि इस एक नंबर में आपके लिए क्या हुआ। तुम क्यों हंस रही हो? मैं तो हंस रहा हूँ किसी बात पे, तुम क्यों हंस रही हो भाई? क्या लगता है क्या है इसमें? आज हम दोनों एक ही कलर की शर्ट पहने हुए और अंदर तुम वाइट भी है, अंदर मैं भी वाइट पहना हुआ और बिलाल भी येलो लाया है। चक्कर क्या है आज? वो चक्कर लाइव नहीं बता सकते ना, रहने दे प्लीज। अच्छा क्रश अपडेट पोटली में अच्छा इन बातों पे बिलाल खामखा खुश हो रहा होगा। ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। मधिया जल्दी से बताओ पोटली में क्या है? अपने लिए अच्छा कहूंगी 10 लाख है। ओके हुसैन 7 लाख। 7 लाख? हाँ भाई रवि का 7 लाख। अरे शाहताज 8 लाख। मासूम 6 लाख। बहुत मासूम हो नहीं लेकिन तुम है। चलो जी इन सब ने प्लस में अमाउंट्स बोले हैं गाइस। अभिया तुम्हें क्या लगता है? माइनस होगा। ये इतनी चलाक हैं, आप सोचें ये आप लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलती, आप लोग इनके बारे में कुछ नहीं बोलते। ये खेल रही है सही गेम, बिल्कुल जबरदस्त खेल रही है अभिया। अभिया वैसे भी अच्छी है, मतलब अगर लाइव के अगर बैक स्टेज देखा जाए तो वैसे भी अभिया का नहीं चलता। बैक स्टेज तो खैर ये सारे चैंपियंस भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। सिद्रा तूबा सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। बिलाल तो सबसे ही अच्छा है। ये देख रहा है जमीन खुले, मैं सिर्फ मुंह अंदर डाल दूं। बिल्कुल बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बोली है ना, शर्माता मैं। तुम जो ब्लश कर रहे थे मुझे समझ में आ गया, लेकिन क्या कह रहे हो तुम? दानिश अच्छा। भाई बिलाल से पूछो इसमें क्या होगा, मधिया की पोटली में बिलाल क्या होगा इसमें? यार इनके लिए कहना बड़ा मुश्किल है। तो मैं बता दूं क्या कहना चाह रहे, ये कहना चाह रहे हैं कि 10 लाख रुपए है लेकिन मैं कह नहीं सकता, चैंपियन मेरे हाथ पकड़े हुए। बिलाल बता दो क्या है इनकी पोटली में जो होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, स्पेशली मेरे लिए अच्छा होगा, स्पेशली आपके लिए अच्छा होगा, तुम्हारे लिए क्यों अच्छा होगा? मेरे लिए अच्छा होगा। बिल्ली की खाब में चीचड़े, खाना खिलाने बुलाया हमने? नहीं 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 नहीं, मैं मतलब इसमें कोई लेटर लिखा हुआ जो अच्छा होगा? होप सो अच्छा होगा, होप सो इनकी पोटली में जो होगा वो हम सबके लिए अच्छा होगा। चलो मैं देखता हूँ और बताता हूँ ठीक है इसमें किसके लिए कितना अच्छा है। अच्छा जी मधिया मैं मानता हूँ कि आपके पास ऑप्शन कम थे पोटली लाने के अपनी पसंद की। आप कह रही थी कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं बिलाल के पास जो येलो कलर की पोटली है वो लेकर आती, मैं उसमें देखूंगा कि क्या है। लेकिन मधिया आज इस लाल पोटली में टीम टिकटॉकर्स के लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज नहीं है। 2 लाख है फिर भी, माइनस तो नहीं है, प्लस 2 लाख, प्लस 2 लाख गाइस। वेरी नाइस, इस तरह टीम टिकटॉकर्स के अकाउंट में 2 लाख रुपए आ गए हैं। नॉट बैड, अच्छा स्टार्ट है, 2 लाख रुपए कम नहीं होते। बताइए जी, अब बताता हूँ कि आप लोगों में सबसे पहले पोटली में खोलूंगा आमिर की पोटली नंबर 6 लेकर आओ। आमिर साहब लेकर आए पोटली नंबर 6। तो बिलाल ने पूछा कौन सी लाए हो, उन्होंने बोला 6 नंबर। 6 नंबर पे भी नजर थी तुम्हारी, मुझे ऐसा लगता है अगर तुम्हें ऑप्शन दिया जाए ना तुम 4-5 पोटलियां जमा करके। नहीं दानिश भाई मैंने इनको बोला था कि इवन नंबर लेना ना, तो ये बोल रहे हैं वापस आके 5 नंबर लेके बोल रहे हैं। यार ये इवन और ओड होते क्या है? मुझे पता नहीं था, मैं तभी लेके आया। नहीं कैलकुलेशन के हिसाब से लाता हूँ तो मुझे नहीं पता चलता कि इवन है कि ओड है, जो आपकी किस्मत है वही होगा। ये इवन ओड के चक्कर में ज्यादा नहीं पता। क्या कह रही सिद्रा? मैंने कहा 2 का टेबल और 3 का टेबल है बिलाल, तुम्हें याद है 2 का टेबल? 2 का टेबल हो जाए आज बिलाल। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 का टेबल 22 का, ये तो सोच के करना पड़ेगा कैसे जरा हो जाए। 22 1 22 22 2 44 खुद लेना चाह रहा है, तुम भी तो बोले जा रहे हो यार। ये स्क्रीन शेयर हमेशा यही करता है यार। चलो जी 6 नंबर पोटली लेकर आए आमिर साहब, इसके अंदर तो पक्का होंगे 10 लाख्स, 10 लाख्स, 10 लाख्स, 10 लाख्स, सॉरी 10 लाख, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन होंगे पूरे।
10 लाख तो नहीं होगा, 10 लाख चलो जी आओ मैं बताता हूँ 6 नंबर में क्या है। बिलाल आज जो तुम बोल रहे हो वो नहीं हो रहा हरगिज भी, इसलिए सबसे पहले पूछूंगा अभिया कितना अमाउंट है इसमें? 6 to 7। अच्छा जी, प्लस में जी। मासूम हाँ भाई तू बा माइनस 10 लाख। क्या हुआ, कोई लड़ाई चल रही है आप में से? नाराजगी चल रही है? मैं जानती नहीं उसको नाराजगी क्या चल रही है। ओह माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग गाइस, बताइए। कार पार्टी पे नहीं बुलाया था। अच्छा ये वजह थी, बताइए सिद्रा। इन बिटवीन 3 to 6। ओके आमिर 7 to 10। 7, तुम छोटा सोचते ही हो। हाँ। हमेशा ज्यादा ही होता है। हाँ, आज उल्टा हुआ, बताता हूँ क्या हुआ। हाँ भाई बताओ जरा। 1-2 लाख तो होंगे। हाँ भाई। अच्छा सर, बिलाल कह रहा था कि सबसे कम हो लेकिन आमिर से ज्यादा होनी चाहिए मेरे पोटली में। क्या लगता है बलाज? इसमें होंगे 3 लाख। 3 लाख? 3 लाख। मैं जल्दी से बताता हूँ, 6 नंबर पोटली में आमिर, ज्यादातर तुम जब भी पोटली लाते हो उसमें अच्छा अमाउंट होता है, लेकिन आज तुम लेकर आए पोटली नंबर 6 ऑरेंज कलर की पोटली। 2 लाख रुपए जमा किए थे टिकटॉकर्स ने, और चैंपियंस तुम लोग पीछे नहीं रहे हो, 5 लाख प्लस 5 लाख्स गाइस, हाफ अ मिलियन, बड़ी अमाउंट है। 5 लाख रुपए जमा किए हैं टीम चैंपियंस ने अपनी पोटली के थ्रू, एक पोटली में। बारी है दूसरी पोटली की, वो पोटली है शाहताज की। कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, लेकर आओ भाई जल्दी से। शाहताज लेकर आई है पोटली नंबर 8। तुम खुश हो रही थी? 8 नंबर लाने की वजह क्या थी शाहताज? क्योंकि 8 और 4 रखा हुआ था तो मैंने सोचा बड़ा नंबर। अच्छा चलो मैं ये जस्टिफाई है, मैं देखता हूँ क्या होता है इसके अंदर। बताइए क्या है इसमें? इसमें इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा ही होगा, होप सो, अच्छा होगा। हाँ भाई रवि का कितना अमाउंट होगा? अच्छा होगा, 6 लाख। 6 लाख मुर्गी का बच्चा है, क्या निकलेगा? 6 लाख रुपए, बढ़िया। 10 लाख होंगे इंशाल्लाह। अच्छा हाँ भाई, थैंक यू बढ़िया। 4 लाख हमसे तो वफा कर लो। चलो भाई यहाँ सिर्फ बिलाल से पूछूंगा, बिलाल कितना अमाउंट है इसमें? शाहताज की पोटली है पोटली, और 8 नंबर है, ब्लू कलर की है। मैं चाहता हूँ कि अच्छा ना हो। अच्छा ना हो? चाहता हूँ कि अच्छा ना हो। इसमें इतराने वाली क्या बात? बिलाल इधर देखना मुझे। मैं चाहता हूँ कि अच्छा ना हो। अच्छा ना हो? सही है, नहीं हो, लेकिन इतराने वाली क्या बात है? इतरा क्यों रहे हो तुम? इतरा के क्यों बोल रहे हो? सीधा सीधा बोलो ना। सिंपल, मैं नहीं चाहता इनकी पोटली में कुछ अच्छा निकले। शाहताज ये नहीं चाहता कि तुम्हारी पोटली में कुछ अच्छा निकले। पहले इन्होंने मुझे बेबी बोला था, बाद में बाबा से फिर मम्मा हो गई, तो अभी दिल टूट गया ना उनका। ओ अच्छा ये बात है। खैर मैं बताता हूँ, इस पोटली ने दिल जोड़े हैं या दिल तोड़ दिए हैं? बिलाल क्या दुआ कर रहे थे तुम, क्या निकले इसमें? मुझे लग रहा है कि अच्छा होगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छा ना हो। सिद्रा क्या लग रहा है, क्या इसमें? मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा निकले क्योंकि शाहताज मुझे पसंद है। ओके तो ये माइनस में है। अच्छा लगता है। हाँ भाई तूबा, जरा तूबा को माइक दीजिएगा। 2 लाख प्लस में। चलो 8 नंबर पोटली लेकर आई है शाहताज टीम टिकटॉकर्स के लिए। 2 लाख रुपए आप लोगों ने अभी तक जमा किए हुए थे, और 2 लाख में जब 7 लाख 7 लाख क्या ऐड हो जाए, माइनस हो जाए, प्लस? अरे किसने कहा प्लस हो जाए? 2 लाख प्लस की अमाउंट थी इनके अकाउंट में अभी तक, लेकिन शाहताज लेकर आ गई पोटली नंबर 8, और हमारे पास पोटली नंबर 8 में माइनस 3 लाख था। माइनस 3 लाख, माइनस 3 लाख बेचारों के पास 1 लाख बचा। सही बोला था सिजरा ने बिल्कुल। क्या माइनस 1 लाख? क्यों 2 लाख? 3 लाख था ना उनका। अरे पहले क्या लाए थे वो लोग? 2 लाख लाए थे ना पहले। माइनस 3, माइनस 1 लाख बच गया इनके पास। आप प्लस में कर रही हैं, उनकी तरफ से खेल रही हैं आप, बताओ यार। चलो जी माइनस 1 लाख और 5 लाख, लेकिन अभी एक पोटली आई इनकी तरफ से। नेक्स्ट पोटली है सिद्रा की पोटली नंबर 9, लेकर आओ भाई जल्दी से। इसमें तो बहुत अच्छा अमाउंट निकलेगा, पक्की बात। कितना क्या? 25-30 लाख रुपए। 9 to 10। 8 लाख। इतना प्यार हो गया, दोस्ती हो गई, क्या हो गया? बहुत पहले से, पहले से ही है। अभी बताता हूँ इसमें क्या है। हाँ भाई आमिर साहब खामोश। नहीं मैं कैलकुलेशन कर रहा था, 7 to 9 है इसमें।
कौन सी कैलकुलेशन कर रहे थे तुम? क्योंकि 8 में निकला था माइनस में 3, तो इस हिसाब से अगर ऑड नंबर देखे जाए, ऑड नंबर हिसाब ये है कि ऑड नंबर देखे जाए ना, वन में हमारा प्रोड्यूसर ना इवन नंबर्स देखता है ना ऑड नंबर्स देखता है, और कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। इसका प्रूफ मैं तुम्हें अभी देता हूँ। हाँ भाई, अच्छा होगा, अच्छा होप्स हो के होप्स हो इस पूरी लीग का हाईएस्ट अमाउंट निकले, मतलब जो 10 लाख से वो निकल जाए। आज तुम बताओ यार, 6 लाख होंगे, 6 लाख प्लस में। ओके मधिया, कितना अमाउंट इसमें? पोटली किसकी है? सिद्रा की। 20,000 फॉलोअर्स हैं आपके, तो आपको कुछ ज्यादा ही लाइक अब जेलसी तो नहीं है कि 4 दिन में मैंने 20K फॉलोअर्स? एक बात दादू, इसे कहते हैं गीले थप्पड़ मारना, क्योंकि ये वही कर रहे हैं ये लोग। नहीं, इनका फोकस सिर्फ 20K फॉलोअर्स पे, बस ध्यान में रखो। मेरा अभी जवाब ना दो, बात पे है कि चैंपियन हो के आप टिकटॉक पे आईडी बना रही है फिर टिकटॉक, क्योंकि मैंने तो उसको जवाब दे दिया, मैं आप लोगों को देखना चाहती थी इसलिए मुझे आना पड़ा। क्या आप हमें देखना चाहती थी? जी जी बिल्कुल, जब इतना बर्दाश्त कर सकते हैं तो थोड़ा और भी बर्दाश्त कर ही सकते हैं। आप हमें देखना चाहती थी? आपको ज्यादा ही ओवर नहीं होती, पूरी टीम आपकी वजह से गंदी हो जाती है, पता है? सिर्फ आपकी वजह से। अच्छा गाइस, मैं इसका टाइम दूंगा, अभी किसी ने नहीं बोला, अभी किसी ने नहीं बोला, मैं टाइम दूंगा, टाइम दूंगा, बाकायदा टाइम दूंगा। चलिए जी, पोटली नंबर 9 सिद्रा लेकर आई थी, हरे कलर की पोटली, 5 लाख रुपए पे स्टैंड कर रहे थे चैंपियंस और सिद्रा। ये तुमने क्या किया चैंपियंस के साथ? कुछ अच्छा है? बहुत अच्छा है। सिद्रा का दिल कह रहा है कि पोटली नंबर 9 में कोई बहुत बड़ा इनाम है। मैं बताता हूं कि पोटली नंबर 9 में क्या निकला है। पोटली नंबर 9 लेकर आई सिद्रा टीम चैंपियंस के लिए, और पोटली नंबर 9 में था बागड़ बिल्ला -4 लाख, -4 लाख, -4 लाख गाइस, -4 होप्सो। तो कौन कह रहा था इसमें तो कोई बड़ा अमाउंट होगा? अभी आपको लग रहा था बिलाल, नहीं नहीं आमिर, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि -3 में जो था, 3 में -3 निकला था, तो इसमें होगा +7 से 10। इसकी कहानी शुरू होती है 7 से 9, 7 से 10 भाई, माइनस का अमाउंट भी है और कोई कैलकुलेशन नहीं चलती है यहाँ पर। अब आप लोग आ गए हैं सिर्फ 1 लाख रुपए पे, लेकिन स्टिल आप लोग अभी भी पीछे हो, -1 लाख रुपए पे हैं आप लोग। बारी है आप लोगों की तीसरी पोटली, कौन लाया है? छुपा के क्यों रखी है तुम लोगों ने? लाओ भाई, रबीका, रबीका की पोटली नंबर 2। याद रहे रमजान लीग में रबीका के सबसे ज्यादा 10 लाख रुपए निकले पोटली नंबर 2 में, लेकिन रबीका ये हर दफा नहीं होता है, नहीं होता तो है। फिर क्यों लाई 2 नंबर? अरे आज मैंने बोला ट्राई कर लो दोबारा से। अरे अरे नहीं नहीं, डांटती नहीं। अच्छा डांट नहीं, क्या लग रहा है, क्या है इसमें? 10 लाख, फिर से 10 लाख? यस इंशाल्लाह। क्या लगता है तुम्हें अब्दुल बासित, कितने पैसे हैं? सो नहीं, तुम जागे रहो, समझ में आया मेरी एक आग यहाँ, यहाँ से भी देख रहा हूँ मैं, कितने पैसे हैं इसमें? इंशाल्लाह ओप्सो 7 लाख से ऊपर है। ओप्सो ओप्सो हिट है, 7 लाख से ऊपर है। शताज ओप्सो इसमें 10 लाख निकले। 10 लाख रुपए। बदिया 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए जी हुसैन साहब, 10 लाख रुपए। चलो भाई मैं देखता हूँ इसमें 10 लाख रुपए है। यहाँ से पूछना चाहूंगा अभिया से, अभिया जो भी कुछ आप आज बोल रही हैं सब गलत हो रहा है, तो क्या लग रहा है क्या इसमें? इसमें अच्छा होगा, अच्छा इसमें कुछ अच्छा अमाउंट निकला है। चलिए आइए देखते हैं, पोटली नंबर 2 पिंक कलर की पोटली है, शॉकिंग पिंक लेकर रवि का लेकर आई, कौन कह रहा अच्छा है? किसने बोला ये किसने बोला? सिद्रा ने बोला। आज जो तुम बोल रही हो वो भी बिल्कुल गलत जा रहा है। 3 बार सही हुआ, 1 बार गलत। अच्छा दोबारा गलत हो गया? नहीं अच्छा अमाउंट है, कुछ अच्छा अमाउंट है। चलो बताता हूँ कितना अच्छा है और किसके लिए अच्छा है। पोटली नंबर 2 लेकर आई रबीका टीम टिकटॉकर्स के लिए। टीम टिकटॉकर्स को एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए था, माइनस में है बेचारे, प्लस में आने के लिए कम से कम 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख रुपए चाहिए थे, और रबीका तुम्हारी किस्मत चमकती हुई थी, अब नहीं है। 1 लाख प्लस में, 1 लाख प्लस में 1 लाख रुपए, तो आपके अकाउंट में पूरे 0 रुपए जमा हो गए इस वक्त। दानिश से मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। आई वांट टू से समथिंग,
मदिया आपको क्लियर करना था कि हमने आपको देखना इसलिए चाहा कि हम देखना चाहते थे कि हमारा कंपटीशन एक्चुअली है किसके साथ। अच्छा। और जब मैंने आपका काफी सोच के जवाब दिया आपने। नहीं नहीं सोच के आपने इधर उधर गर्दन आपकी बहुत घूमती है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है तो आप अपनी नजर संभाल कर आप मेरे 20 के फॉलोअर्स के पीछे पड़ सकती है तो मैं आपकी आंखों के पीछे नहीं पड़ सकती। बिलावजा हुसैन को जो ना वो बिलावजा को आंखों से याद आया आंखों पर डायलॉग इनको याद नहीं मैं पहले की बात तेरी आंखों की गुस्ताखी है ना सोच ले आप तब तक आपको क्या कहना है फिर जब मैंने इनकी प्रोफाइल्स देखी तो फिर यार हम लोग का दिल टूट गया कि हमारा कंपटीशन ऐसे लोगों के ऐसे लोग जिनका 10 सेकंड का कंटेंट भी बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात एंड राबेल वाज राइट एक्चुअली सिद्रा एक बात बता दूं सामने तो आपका मुंह खुला ही नहीं उस पूरे एपिसोड में क्यों यहां पे भी मैं नहीं बोलती वो भी चैंपियन है ना तो वी आर फ्रॉम चैंपियंस तो राबेल चैंपियंस यू आर फ्रॉम चैंपियंस ठीक है वी आर फ्रॉम चैंपियंस मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है इसको करके दिखाओ अगर हिम्मत नहीं होती। नहीं हम करके दिखाओ ट्रांसलेट है इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करो नहीं शायद आपका स्कूल कोई मुझे लगता है कोई गवर्नमेंट स्कूल से आप पढ़ी नहीं है यार मुझे सही बताऊं मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही मुझे आमिर तुम उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो कई के पॉइंट बना रहा है जैसे जिसकी दीवारें होती है ना पीले स्कूल उनमें से आपने आई गेस पढ़ा है जो जीतेगा उसको टाइम मिलेगा खैर अभी आप लोगों ने जमा किए हैं सिर्फ 1 लाख प्लस में बारी है आप लोगों की पोटली की लाओ भाई बिलाल तूबा की पोटली लाओ बैठे रहो तुमसे कहा किसी ने आपने कहा बिलाल तूबा की पोटली तो मैं बिलाल प्यार से इसको कह सकता हूँ अच्छा है ना जरूरी है तुमसे मंगाऊंगा मैं चलिए जी पोटली नंबर 3 क्या लगता है अभी यहाँ क्या है 3 नंबर पोटली में सोच समझ के बताना पोटली नंबर 3 पर्पल कलर की पोटली है क्या लगता है क्या है इसमें 7 to 9 जी तुबा जी 10 लाख सिद्रा 7 to 9 और 10 है इसमें 10 लाख बिल्लू 4 to 5 lakhs आई थिंक तुम चाहते हो सबका छोटा मोड़ निकले 10 लाख तुम्हारे पास मैं नहीं चाहता मैंने इसके बारे में बोला था कि किसी का बोलता ही 10 लाख मैंने इसका भी बोला था कि इसका 1 मिलियन निकले इसका निकला नहीं निकला नहीं अच्छा बोला तो था ना मैंने बोलता है 10 लाख दिल में होता नहीं 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 मेरे कोई दिल में कोई क्या लगता है 5 लाख हाँ भाई हुसैन क्या लगता है कि कितनी अमाउंट है इसमें माइनस में चलो जी नंबर 3 लेकर आए हैं तूबा टीम चैंपियंस के लिए पर्पल कलर की पोटली है और ये क्या हुआ क्या हुई अभी बताता हूँ क्या हुई जोर से लगी बहुत टीम चैंपियंस सिर्फ 1 लाख रुपए पे थी एक अमाउंट अच्छा चाहिए था हाँ अच्छा तो हुआ है लेकिन पता नहीं माइनस में अच्छा हुआ है या प्लस में अच्छा हुआ है गाइस टीम गेम है 4 पॉइंट्स का गेम है हर पोटली बड़ी इंपॉर्टेंट थी और तूबा तुम लेकर आई टीम चैंपियंस के लिए 3 नंबर सेकंड नंबर पे गई थी आप घर के अंदर आपके पास 8 पोटलियों के ऑप्शन थे आपने उसका फायदा चैंपियंस के लिए उठा लिया 7 लाख रुपए 7 लाख प्लस 7 लाख रुपए प्लस में जमा करने के बाद इनका ग्रैंड टोटल हुआ है 8 लाख रुपए 8 लाख यहाँ है आप लोगों ने भी एक बड़ा अमाउंट जमा किया है एक बड़ा वाला अंडा अभी मैंने बोला था उनके 8 लाख हो जाएंगे तो रोने की क्या बात है हो गए 8 लाख कोई बात नहीं आप लोगों की एक पोटली बची है ना अब देखता हूँ मैं उसमें क्या है लव भाई हुसैन को लग रहा है कि 10 लाख रुपए है पोटली नंबर 7 में जरा लेकर तो आओ मेरे पास मैं बताता हूँ कि 7 नंबर में क्या है तुम्हारे लेकर आओ भाई ब्राउन कलर की पोटली है याद रहे इस पोटली में माइनस नहीं निकलना चाहिए बस 0 पे हो कोशिश करो दुआ करो कि इसमें कुछ प्लस में ही निकले 7 नंबर पोटली टिकटॉकर्स की तरफ से आज की आखिरी पोटली ज्यादा टाइम नहीं लूंगा
सात नंबर पोटली लेकर आए तुम, मधिया क्या लग रहा है क्या इसमें? 10 लाख बोलूंगी। जो तुम बोल रही हो चाहिए ना? चाहिए जी। रबिका 10 लाख बोलूंगी इंशाल्लाह। काश तुम लोग जो बोल रहे होते हो सच भी हो जाए। बताओ बस माइनस में कुछ ना हो बाकी खैर। लग क्या रहा है क्या होगा? 2 से 3 लाख। बासित 8 लाख। 8 लाख। हुसैन 10 लाख। हुसैन हम होंगे कामयाब। 10 लाख रुपए नहीं है प्लस में। और यहाँ से पूछना चाहूंगा आमिर से। आमिर नंबर 7 है ना? मुझसे बेकार बातें नहीं करना तुम, कैलकुलेशन वाली। सिंपल बताओ कितना है इसमें? इसमें 10 लाख है। 10 लाख। ये मनी हाइस्ट का प्रोफेसर बना हुआ है, सिर्फ सोच रहा होता है गलत कैलकुलेशन कर देता है। ये अपने बंदे खुद ही मरवाते वहां पर। आमिर तुमने बोला 10 लाख रुपए, लेकिन बाजू का तुक्का लग जाता है और 7 नंबर में है 6 लाख। नहीं लगा तुक्का दोबारा। 6 लाख प्लस प्लस 6 लाख प्लस 6 लाख। लेकिन अब इनका अमाउंट प्लस में 6 लाख है। फाइनल अमाउंट सारी पोटलियों को कैलकुलेट करने के बाद 6 लाख है। तुम लोगों की एक पोटली रह गई है और पोटली उस बंदे की है जो सबसे ज्यादा माइनस लेकर आता है। नाम है बिलाल, प्यार से कहते हैं Q2, मैंने नाम रखा है TRP। लेकर आओ भाई बिलाल की पोटली नंबर खुद लाता है। ये इसका स्टाइल है, खुद ही लेकर आता है भाई। पोटली नंबर 5, ये वही पोटली है जिसपे मदिया की नजर थी और मदिया ने कहा था अगर मुझे चॉइस मिलती तो मैं पोटली नंबर 5 लेकर आती। एम आई राइट? जी। लेकिन ये किस्मत में थी बिलाल की। अब मैं बताऊंगा ये किस्मत में तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आई है या ये मदिया के पास चली जानी चाहिए थी। याद रहे आप लोगों का ग्रैंड टोटल है इस वक्त 8 लाख रुपए। अभी तक तो जीत रहे हो 8 और 6। अगर -3 निकल गया हार जाओगे, 5 लाख हो जाएगा ग्रैंड टोटल। दुआ ये करो 0 निकल जाए भले, बस माइनस में ना निकले। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पॉइंट्स का गेम है। और पॉइंट से याद आया, जरा पॉइंट टेबल दिखाइएगा इस वक्त कौन सी टीम कहां स्टैंड कर रही है। तुम लोग काफी पीछे हो बाय द वे, दिखाइए मुझे जल्दी से। 9-5, अगर ये 4 पॉइंट्स भी गए 13-5 हो जाएगा गाइस। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये फर्स्ट टाइम होगा। जल्दी से टाइम जाया किए बगैर मैं खोलूंगा पोटली नंबर 5 और ये डिसाइड करेगी पोटली आज कि ये 4 पॉइंट चैंपियंस के 8 लाख रुपए थे, टिकटॉकर्स के 6 लाख रुपए थे अभी तक। लेकिन हमेशा की तरह ये जो क्यूटो है ना यार, किस्मत साथ नहीं दे रही इसका। टैलेंटेड आदमी है ये, इसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा। बस क्या बातें कर रहे हो आपस में, मुझसे कर लो ना बातें। तुम लोग क्या कह रही है? नहीं है, मुझसे कैलकुलेशन पूछ रहा है मेरे के 6 में क्या निकला था तो 5 में क्या। अच्छा है, जब फंसता है तो बराबर वाला आता है, वरना कहता है मैं अगर रूहानियत के हिसाब से सोचूं इस वक्त तारे यहाँ पर हैं और तारा यहाँ आ गया है, उसके हिसाब से 6 लाख। बिलाल मदिया आपकी पोटली में क्या निकला था? 2 लाख निकले थे। 2 लाख। बिलाल बता रहा है, बिलाल क्या निकला था? 2 लाख निकले थे। 2 लाख निकले थे। बिलाल असल में ये पोटली मैच करके लाए थे, येलो कलर मदिया ने वेयर किया हुआ है, तो बिलाल ने कहा चलो जी पोटली पीली ले आओ। इससे पहले तो कभी पीली पोटली लाई नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात है, ऐसी कोई बात ही नहीं। मेरी शर्ट से मैच करते हुए बिलाल ही लाएगा मेरी शर्ट से मैच करते हुए। अच्छा अब याद आया मेरी शर्ट तुम्हें? जी जी बिल्कुल। ये मस्टर्ड है, येलो नहीं है, वो येलो है, ये भी येलो है। मदिया ने कहा था कि अगर इनको मौका मिलता तो ये आज 14 नंबर 5 लेके आती। मदिया तुम कम से कम अमाउंट प्लस में तो लाई थी, या तो प्लस 3 लाख है। 3 लाख प्लस 3 लाख, इस तरह ये ग्रैंड टोटल हुआ है 11 लाख रुपए। यहाँ का टोटल है सिर्फ
6 लाख रुपए, इसलिए ये 1, 2, 3, 4 पॉइंट जाएंगे चैंपियंस के साथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये यहीं से बैठे तारे इधर उधर कर रहा होता, हो नहीं रहे होते वो अलग बात है, कोशिश कर रहा होता। खैर अब मिले हैं पूरे 1.5 मिनट, जो जो जिस जिसके दिल में है वो बोल सकता है, इसलिए खामोश उड़ा दो। मैं ये बोलूंगी, कभी ये हमें कुत्ता बोलते हैं, कभी ये हमें बोलते हैं मनहूस, तो आप लोग भी कुत्ते की वो दुम है जो कभी भी सीधी नहीं होती। नहीं, बुरी, नहीं, ये भी गलत बात है कि ये लोग आके हमें इस तरह से। मैं दोनों बच्चों को बोल रहा हूँ, कोई एक दूसरे के लिए स्लैंग्स यूज नहीं करेगा। गाइस ये प्रोग्राम हमारा फैमिलीज देख रही होती है, ये लैंग्वेज कोई आज के बाद यूज नहीं करेगा। खैर अभी टाइम है आपके पास, बोलिए 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 जल्दी से। बिलाल बहुत सारी बातें बोली थी। मैं शहदाज को कहना चाहूंगा कि शहदाज वाकई में अम्मा ही हो। नहीं मैं ये बोलता हूँ कि यार मतलब ये लोग क्यों इतना बोलते हैं फॉलोअर हमारा टिकटॉक, टिकटॉक कोई भी बना सकता है। मैं ये बोलता हूँ अपने आप को टिकटॉकर, तुम लोग खुश नसीब हो जो यहाँ पे आए हो, सच में बोल रहा हूँ। तुम लोगों से ज्यादा ज्यादा जो फॉलोअर थे ना वो ऑडिशन देने आए थे, हम लोग तभी बोलते हैं। तुम मतलब मैं गलत अल्फाज नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन तुम लोग अभी इतनी लेवल तक नहीं पहुंचे कि हमारे साथ मुकाबला कर सको, तो ये मान लो। ओके जी, अगर ये लोग कंपटीशन को कंपटीशन की तरह लेके खेलेंगे तो हम भी उसी तरह खेलेंगे, लेकिन जैसे को तैसा ही मिलता है, तो ये जैसा करते हैं हम उनके साथ वैसा करते हैं। आप लोग तैसा है? नहीं, जैसा ये देते हैं हम उनको उल्टा वैसा देते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं ठुमके वाली पिक्चर अपलोड कर दूं, 500 शेयर ना आए तो मैं शो में अंदर नहीं आऊंगा, और हुसैन को ये टारगेट करता हूं कि ये ठुमके वाली पिक्चर लाए और 100 भी शेयर ला दे तो मैं इसके नाक के आगे रगड़ दूंगा। अगर इसके शो शेयर भी आ गए ना ठुमके वाली पिक्चर पे, एक तो मैं इसके सामने सर कर दूंगा। एक मिनट, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उनकी नाक के आगे क्या रगड़ दोगे? और सॉरी जमीन पे, मुझे भूल गया था मैं, मतलब जमीन में नाक रगड़ अच्छा, दूंगा। फैंस जो आगे इनके 100 शेयर भी आ गए एक पिक पे, वो भी ठुमके वाली, वो भी यूं वाली। कैसी कैसी क्या पिक्चर होगी वो? ये देखिए पिक्चर, एक मिनट पिक्चर पकड़े, ये क्या पिक्चर है? पहले नाम क्या रखोगे ये बताओ। ये जो आपने नाम रखा था ना मधिया क्यूटिस, वो रखूंगा क्यूटू को हटा के। क्यूटिस आपने नाम रखा था इनका, मधिया क्यूटिस रख लूंगा। मधिया ये भी हो रहा है यहाँ पे? नहीं नहीं, बिलाल वैसे है क्यूट तो ओके क्यूटिस, यस क्यूटिस। तो फिर इन्होंने नाम रखा है आपका क्यूटिस। अब कल आप अपलोड करेंगे अपनी कैसी पिक्चर? ठुमके वाली, ठुमके वाली पिक्चर। ओके बेहतरीन ड्रेसिंग, चैंपियन का शो ऐसा था वैसा था, तो वकार जका का शो था वो, ठीक है। और उस इंसान को जितना सोशल मीडिया का पता है ना, और जितना उसको ट्रेंडिंग में रहना आता है, मुझे नहीं लगता आप में से किसी एक को भी आता होगा, और वो हमारा मेंटोर रह चुका है। उसने हमें सिखाया है कि स्क्रीन को फेस कैसे करते हैं। हम लोगों ने 1 महीने तक एक रियलिटी शो किया है, कोई एक्ट नहीं किए, किसी की एक्ट किए वो को कॉपी नहीं किया, हमने रियलिटी शो किया, तो दैट मींस अ लॉट। बहुत बड़ी बात है। और एक और बात मैं बोलूंगी कि जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि चैंपियंस कम नहीं है, तो हमने जो वहाँ पे पूरा 1.5 महीना सर्वाइव किया है वो बहुत टफ था। सर्दियों में हम ठंडे पानी से भी नहाते थे, आपने से कोई एक नहा के दिखा सुबह 6 बजे उठ के टास्क पे जाते थे। और बात करना चाहूंगा कि अकेले गुजारे उसमें हम लोग भूखे भी रहे। एक और बात, अभी हम लोगों को खाना पकाना नहीं आता था तो हम लोग चाय पे गुजारा करते थे और नींद की गोलियां खाते थे। इस बात का जितने भी टिकटॉकर्स मेकअप पे और ड्रेसिंग सेंस पे बात करते हैं ना, तो यार हम लोग ने मुंह धो के भी लोगों को इसी तरह फेस किया चैंपियंस में, ऐसे ही बगैर मेकअप के खड़े। गाइस टाइम अप। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल कुरैशी। बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा।